अलीराजपुर में पुलिस ने अवैध शराब के ठिकाने पर दबिश दी। कार्यवाही में नींबू से बनाई जा रही नकली शराब जब्त की। अलीराजपुर में अवैध शराब बनाने के ठिकाने पर पुलिस ने छापा मारा। छापामार कार्यवाही में नींबू से बनाई जा रही थी नकली शराब जब्त की। बखतगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम जिलोटा के एक मकान में बनाई जा रही थी नकली शराब। कार्यवाही में 3,570 लीटर शराब पकड़ी, जिसकी कीमत 3 लाख के करीब बताई जा रही है। कार्यवाही में एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। आज थाना बखतगढ़ और SDOP अलीराजपुर के निर्देशन में पुलिस के द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध एक अच्छी कार्रवाई की गई है। इसमें ग्राम सिलोटा में आरोपी दिनेश पिता भलसिंह कनेश जो कि पुवासा का रहने वाला है, ये किराए के मकान में रहकर और करीब 3600 लीटर अवैध शराब इससे जब्त हुई है। और ये नींबू को फर्मेंट करके शराब बना रहे थे और इसमें पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। और अभी पूरे मध्य प्रदेश में जो अभियान चल रहा है उसमें अभी तक अलीराजपुर पुलिस के द्वारा अक्टूबर से अभी तक लगभग 30 लाख रुपए से ज़्यादा की अवैध शराब जब्त की जा चुकी है और इसमें लगातार कार्रवाई की जा रही है।